हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनैना, आपकी गार्डन दोस्त। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन प्लांट के बारे में। ये देखिए मेरा टर्टल वाइन प्लांट, ये देखिए हैंगिंग बास्केट में है मेरा टर्टल वाइन प्लांट। बहुत ही ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ है इस प्लांट का। ये समर में बहुत अच्छी तरह से खिलता है, पूरा भर जाता है ये प्लांट। हैंगिंग बास्केट के लिए प्लांट एकदम एप्रोप्रिएट है। मेरी हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बिल्कुल केयर नहीं मांगता, बहुत ही इजी है ग्रो करने के लिए और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पूरा फैल जाता है। इसकी कटिंग, छोटी से छोटा कटिंग इसका बहुत ही अच्छी तरह से लगता है। इसका कटिंग मैं आज को आपको दिखाऊंगी, हैंगिंग बास्केट में कैसे लगाते हैं। उसके लिए हम हैंगिंग बास्केट रेडी करेंगे। बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए बहुत इजीली ग्रो होता है। ये विंटर के टाइम में थोड़ा मुरझाता जाता है, लेकिन जब जब समर आने लगता है ये बहुत ही न्यू, इसके स्प्राउट्स जो है वो निकलता है। समर में ये पूरा हैंग करके यहाँ तक चले आएगा। ये बहुत ही इजीली ग्रो करता है। हम वाटर प्लांटर बनाएंगे। इस तरह के का बॉटल मैं ले रही हूँ। इसको हम कट करेंगे, तो इसको कट करने के लिए मुझे लगेगा इस तरह का एक नाइफ, जिसकी ये पोर्शन थोड़ा जिगजैग टाइप का हो। इस तरह का नाइफ लगेगा और ये सीजर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो प्लांटर बनाएंगे, इसीलिए इसका मिडिल पोर्शन से इस तरह से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको कट कर लेंगे और इससे सीजर की मदद से हम लोग इस तरह से बहुत ही इजीली कट कर लेंगे। आप इसी तरह से आपके पास जो भी बॉटल पड़ा हो उसमें यूज करके आप इस तरह का प्लांटर बना सकते हैं। देखिए ये मेरा हो गया है रेडी दो प्लांटर। अब हम क्या करेंगे, इसको आप पेंट भी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में मेरे पास अवेलेबल नहीं है ये इसका पेंट, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। पेंट तरह का एक आयरन का पिन लीजिए और इसी तरह से मोमबत्ती से या गैस से भी आप कर सकते हो। ये गर्म कीजिए, इसको अच्छी तरह से गर्म कीजिए और इस तरह से होल कर दीजिए। इसको गर्म करके आप इस तरह से इसमें से होल बना लीजिए और इसके ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह से हम लोगों को होल कर लेना है। एकदम अपोजिट साइड में हम लोगों को इसी तरह से और भी एक होल कर लेना है। इस तरह से हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे और ये रस्सी यहाँ पे बांध देंगे। यहाँ पे एक इस तरह से बांध देंगे। ये हो गया हमारा हैंगिंग प्लांटर रेडी। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये हैंगिंग प्लांटर में मिट्टी एकदम भर लिया हूँ। अब मेरे पास ये टर्टल वाइन का बहुत सारा कटिंग्स है, मैंने कटिंग्स तैयार की है। ये कटिंग्स मैं लगाऊंगी। तो मेरे पास इस तरह का कटिंग्स है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, एकदम इसको इसके अंदर जस्ट लगा देना है। बहुत ही इजी है। आप देखिए कैसे लगाती हूँ, इसी तरह इसको लगाते जाना है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत ही इजीली ग्रो होता है ये प्लांट। आप एक एक कटिंग को लीजिए और उसके जो ये देखिए यहाँ से रूट होता है, लग जाएगा 2 दिन बाद ही यहाँ से रूट इसका हो जाएगा। तो इस तरह से लीजिए
और दबाते जाइए। इसी तरह से छोटे छोटे कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा बड़ा कटिंग ही था तो मैंने वही लगा दिया है। देखिए मैं लगा दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से इसका बहुत रूट हो जाता है, देख ही सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ये। इसी तरह से हम लोग साड़ी कटिंग्स लगा देंगे। आपके घर में इस तरह का खूबसूरत प्लांट अगर आप चाहते हैं, हैंगिंग प्लांट, तो ये प्लांट ज़रूर लगाइए। ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, हैंगिंग प्लांटर के लिए एकदम सही प्लांट है। बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एकदम बास्केट भर जाएगा आपका, कुछ ही नहीं करना पड़ता। इस तरह से हम लोग कटिंग लगाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी इसका रूट बनना शुरू हो जाएगा, तेजी से ये प्लांट पूरा फैल जाएगा। ये देखिए, हम थोड़ा पानी दे देंगे इसके ऊपर। और इसको हम इस तरह से हैंग कर देंगे। ये प्लांट लगाइए आप, बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छा लगेगा।